महाराष्ट्र में कोरोना के 771 नए मामले, अब तक कुल 14,541 मरीज, 583 मरीजों की मौत, 2,465 स्वस्थ। मुंबई में 9,123 हुए कोरोना बीमार, कल से अब तक 18 लोगों की मौत, 24 घंटे में 510 नए मरीज। धारावी में आज 42 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 632 हो गए। मुंबई में पुलिस स्टेशन के बाहर दिखी सैकड़ों मजदूरों की भीड़, घर जाने के लिए मेडिकल चेकअप के लिए उमड़ा हुजूम। मुंबई में शराब खरीदारों के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग। मुंबई से जौनपुर पहुंचा ट्रक ड्राइवर पॉजिटिव, ड्राइवर के गांव को किया जा रहा है सैनिटाइज। नागपुर रेलवे स्टेशन पर यूपी के प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना, अधिकारियों ने खाने के साथ ट्रेन में बैठाया। महाराष्ट्र के अकोला से लखनऊ के लिए विशेष श्रमिक ट्रेन हुई रवाना, अकोला वाशिम यवतमाल अमरावती में लॉकडाउन में फंसे थे 1212 मजदूर। पुणे में शराब की दुकान खुलने से पहले उमड़ी खरीदारों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। पुणे में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत, शहर में अब तक 10 पुलिस वालों को चपेट में ले चुका है वायरस, अब तक 60 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। महाराष्ट्र के अकोला में 50 लाख के अवैध शराब जब्त, आबकारी विभाग की कार्रवाई, दुकान मालिक गिरफ्तार। गुजरात में मरीजों का आंकड़ा 5,400 के पार, संक्रमण की वजह से 290 मरीजों की मौत। घर वापसी को लेकर सूरत में मजदूरों का घमासान, पुलिस पर किया पथराव, सड़कों पर आगजनी। बेकाबू मजदूरों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां। बवाल करने वाले मजदूरों पर पुलिस की सख्ती, पूरे इलाके में चला सर्च ऑपरेशन, घर में घुसकर की पिटाई। घर भेजने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे मजदूर, फैक्ट्री मालिकों पर लगाया तनख्वाह नहीं देने का इल्जाम। सूरत में भी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे मजदूर, घर वापस भेजने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। 2002 अंक लुढ़ककर 31,715 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 566 पॉइंट्स का गोता लगाकर 9,293 पर बंद। अप्रैल में पेट्रोल की मांग 61% और डीजल के 57% घटी, उद्योगों को छूट मिलने के बाद बढ़ी सेल। फेसबुक के बाद सिल्वर लेक ने किया रिलायंस जियो में निवेश, 1.15% हिस्सेदारी के लिए चुका है 5,656 करोड़। आरबीआई के नकदी मुहैया कराने के बाद क्रेडिट रिस्क फंड्स में घटी निकासी, एएमएफआई ने किया 81.5% निकासी कम होने का दावा। 6 हफ्तों बाद हीरो मोटोकॉर्प ने दोबारा शुरू किया प्रोडक्शन, 3 प्लांट्स में उत्पादन की शुरुआत। बजाज ने अप्रैल में 32,000 से ज्यादा टू व्हीलर्स का किया निर्यात, कंपनी जल्द शुरू कर सकती है प्रोडक्शन। क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट भुगतान के लिए आया नया ऐप, payyouhousing.com ने किया लॉन्च। जूम ऐप की 10 लाख से ज्यादा लॉगिन डिटेल्स डार्क वेब पर बिक्री के लिए मौजूद, जूम 5 लॉकर कंपनी ने किया ज्यादा सुरक्षित होने का दावा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद अब 13,000 तक पहुंच गई है, वहीं कुछ लोग लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे। संक्रमण के बढ़ते चक्र में ऐसी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। लॉकडाउन की तीसरी किश्त के पहले दिन ही लापरवाही और गैर जिम्मेदार हरकतों की बाढ़ आ गई। मुंबई में जहां 9,000 से ज्यादा अब तक कोरोना के शिकार हो गए हैं, जहां अब तक 343 की जान वायरस ने ले ली है, उस शहर की लापरवाही की ये तस्वीर देख लीजिए। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे हैं, सावधानी का नामो निशान नहीं दिख रहा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माटुंगा में, मुंबई का माटुंगा इलाका है, और मेरे पीछे ये बीएमसी की एक डिस्पेंसरी है जहाँ पर लोगों का चेकअप किया जाता है। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं लंबी कतार यहाँ पर लगी है, लंबी यानी 5, 10, 20, 50 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग यहाँ पर इस वक्त कतार में खड़े। ये कौन लोग है? ये प्रवासी मजदूर है। आप देख सकते हैं कितने नज़दीक नज़दीक ये लोग खड़े हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ तो बिल्कुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही यहाँ पर प्रशासन है ना पुलिस है इन्हें बताने के लिए कि आप भैया डिस्टेंस रखो।
मुंबई के तिलक नगर से आई एक और तस्वीर दिल दहला देने वाली है। सब्जी खरीदते वक्त मास्क न पहनने वालों को टोकने पर झगड़ा भड़क गया। आरोपियों ने दो भाइयों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सवाल उठता है, कहां कहां पुलिस तैनात होगी, कहां कहां डंडों की ताकत पर सोशल डिस्टेंसिंग को मुमकिन बनाया जाएगा। पूरे देश में महाराष्ट्र कोरोना संक्रमित मरीजों में सबसे अव्वल है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग समझने को तैयार ही नहीं। महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 13,000 को पीछे छोड़ रहा है। मुंबई में 9,000 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटे में 678 नए लोग संक्रमित हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे में ही 21 लोगों की मौत हुई है। पूरे राज्य में मौत का आंकड़ा अब 548 तक पहुंच गया है, जिसमें सिर्फ मुंबई में ही 343 लोगों की मौत हुई है। धारावी में अब तक कुल 496 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 18 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। सबसे गंभीर बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को समझना होगा, हर कदम जिम्मेदारी से उठाएं, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आपकी हरकत से दूसरों की भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कमलेश सुतार के साथ एजाज खान, मुंबई आज तक। मधुशाला में बच्चन जी ने लिखा था कि बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। आज लॉकडाउन के करीब 1.5 महीने बाद शराब की दुकानें खुली तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर ठेकों के सामने एक दूसरे से ऐसे मेल कर रहे थे कि शराब मिले ना मिले, कोरोना तो जरूर मिल जाए। पुणे में शराब की दुकानें क्या खुली, पुणेकरों को लगा कि कोरोना दुनिया से चला गया। पुणे रेड जोन में है और मुंबई के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में यही हुई हैं। मगर पुणे में पीने वालों के लिए तो मानो आज सेलिब्रेशन का दिन था। उन्हें यकीन था कि एक बार सोमरस उनके हाथ में आ जाए तो फिर कोई संक्रमण उन पर असर नहीं कर सकता। ऐसा नजारा है ये पुणे के औंद इलाके का, आनंद पार्क का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये जो वाइन शॉप है वो खुलने के आसार है, और जैसे ही खुलने के आसार ये खबर उन लोगों को, खासकर जो वाइन के शौकीन है, उनको लगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कतार लगना शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कतारें इतनी लंबी है कि तकरीबन ये कतार 200-250 मीटर दूर तक चली गई है, और लोग आप देखिए कि लोग यहाँ पर कतार में है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं फॉलो किया जा रहा है। एक दूसरे के बीच में 2-3 फुट से ज्यादा जो डिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर संक्रमण होने की संभावना है। सर मैं तो खड़ा हूँ 2 फीट के डिस्टेंस में ही खड़ा हूँ, 3 फीट के डिस्टेंस के। अभी बाकी लोग क्या बीच में घुस जाते हैं तो अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो लेकर लेने के लिए आया हूँ अभी, तो अभी जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद ही आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। मुंबई के लोगों की जिंदगी में भी 1.5 महीने बाद ठेकों के सामने लाइन में लगने का दिन आया था। मुंबई में शराब के ठेके वैसे शाम को खुलते हैं, मगर शाम तक का इंतजार कहां मुमकिन था। सुबह से ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली लाइनें आंखों में जाम के हसीन सपने लिए मैखानों के आगे लग गईं। मुंबई के बांद्रा के सबरीले लोगों ने बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बांद्रा पश्चिम में इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर हिल रोड के आप ये इस वाइन शॉप को देखेंगे तो पहला दिन तकरीबन कई दिनों के जो लॉकडाउन पीरियड के बाद वाइन शॉप खुली हैं, लोग यहाँ पर बाहर निकल कर आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप देखेंगे कि मेंटेन यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि पहला दिवस है इसीलिए ये आप देख पाएंगे कि जो गर्दी है वो भी काफ़ी लंबी दूर तक, ये जहाँ तक आप देखें तो ये पूरा इस वक्त हम आपको चलकर ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उम्मीद यही कर रहे हैं लोग के उन्हें आज मिल पाएगा। सर कितना टाइम हो गया? 2 घंटा। 2 घंटा हो गया, 2 घंटे से यहाँ पर ये लाइन में शख्स खड़े हैं ऐसा बताना है इनका। पर हर जगह ऐसे सबरीले लोग कहाँ होते हैं। सायन कोलीवाड़ा में तो लोगों ने शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि मानो आज शराब नहीं मिल पाई तो प्यासा मरने की नौबत ना आ जाए। मुंबई और ठाणे में आज शराब की बहुत सारी दुकानें नहीं खुली। दुकानदारों का कहना था कि उन्हें एक्साइज विभाग की तरफ से कोई संदेश नहीं आया था। अभी तक हमारे लोगों को कोई कलेक्टर की तरफ से, SP, CP तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है
चालू करने का हमारी पूरी तैयारी है। हमारा ये 6-7 दुकान मिला के कम से कम 40 से 50 स्टाफ है, उनको रेडी करके रखा है हमने, और रूल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश आया है वो पालन करने के लिए समझा के रखा है। हमारा पहला मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और रूल्स फॉलो करना, सिर्फ धंधा करना हमारा मकसद नहीं है। तो हम पहला रूल्स फॉलो करेंगे, उसके बाद ही दुकान खोलेंगे, ये हमारा मकसद है। पर जो दुकानें खुली थी, चाहे मुंबई हो, पुणे हो या कोल्हापुर हो या फिर महाराष्ट्र की कोई और जगह, ज्यादातर जगहों पर शराब के खरीदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस भी समझ गई कि ये लोग ऐसे ही खड़े रहे तो यहाँ से शराब लेकर जाएं या ना जाएं, कोरोना का प्रसाद जरूर ले जा सकते हैं। पुलिस ने कई ठेकों को बंद ही करा दिया। माही में भी शुरू हुई शराब की दुकान को कुछ समय बाद पुलिस ने बंद करा दिया। वैसे महाराष्ट्र के 6 जिलों नवी मुंबई, सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा और अमरावती के प्रशासन ने फैसला किया है कि इन जिलों में शराब नहीं बिकने दी जाएगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए फैसला किया गया है, पर बाकी जगहों जहां शराब पर बैन नहीं है, आपसे बस इतनी गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकान से शराब ही लेकर जाएं, कोरोना नहीं। मुंबई से मुस्तफा शेख, पुणे से पंकज खेलकर और कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे में देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो किसी भी सरफेस पर 30 सेकंड से 1 मिनट में कोरोना का खात्मा कर देगी। इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है। डीआरडीओ इस तकनीक को बेचेगा नहीं, जो भी कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाना चाहेगी तकनीक उन्हें फ्री में मिलेगी। अतुल्य नाम की ये छोटी सी मशीन पुणे के डीआरडीओ में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने बनाई है। ये एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। ये मशीन किसी भी मेटल या नॉन मेटल सतह से कोरोना वायरस का सफाया कर सकती है। मशीन का वजन 4 किलो है। ये मशीन माइक्रोवेव हाई पावर जनरेट करता है और उसको हम अपर्चर मैच कर दिए हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएट करने के लिए। तो हाई पावर फोकस्ड होता है उस ऑब्जेक्ट पे जिसको आप स्टरलाइज करना चाहते हैं। तो किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो उसको उस पे इसको रेडिएशन को आप उस पे एक्सपोज करिए, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू डिसाइड द टाइम एंड देन दैट गेट कम्प्लीटली स्टरलाइज्ड। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें से कोरोना हटाने के लिए सैनिटाइजर, पानी या साबुन से साफ नहीं किया जा सकता, उन्हें गीला नहीं किया जा सकता। ऐसे सामानों को कोरोना मुक्त बनाने के लिए अतुल्य का प्रयोग हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये हवा में एरोसोल को भी स्टरलाइज कर सकता है। हम लोग एक स्पेसिमेन प्रोटीन जो है उसका पहले एनएमआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किए हैं और देन आफ्टर माइक्रोवेव वो स्पेक्ट्रम और एक बार रिकॉर्ड किए हैं। तो ये जो इनिशियल स्पेक्ट्रम है और जो रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम आफ्टर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम है, दे आर डिफरेंट। सो देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन से कि द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोटीन हैज चेंज्ड। तो कोई भी वायरस का जो प्रोटीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कंपोनेंट, सो ये कंपोनेंट चेंज हो गया है, सो द इफेक्टिविटी ऑफ दैट वायरस विल बी डिक्रीज्ड एंड इट विल बी इनइफेक्टिव। ये मशीन एक तरह से माइक्रोवेव के सिद्धांत पर ही काम करती है। इस माइक्रोवेव स्टरलाइजर के जरिए हीटिंग से वायरस को खत्म किया जाता है। 60 डिग्री तापमान में कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है। अतुल्य से निकलने वाले माइक्रोवेव सतह पर या सतह के भीतर छिपे वायरसों को नष्ट करते हैं। इससे निकलने वाली रेंज धातु को छोड़कर किसी भी चीज के आर पार जा सकती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वीवीआईओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये मशीन बहुत कारगर है। This was thoroughly evaluated by DRDO's top scientist, and then only they gave a clearance to go in for advertising or making it public. Hamara estimate hai 4000 tak ho sakta hai, maybe, lekin if you go in for bulk manufacturing, it will still come down. DRDO की माने तो ये प्रोजेक्ट काफी किफायती है। DRDO सचिव ने जल्द से जल्द इस यूनिट के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए कहा है। फिलहाल एक यूनिट की कीमत 4000 रुपए पड़ रही है। मास प्रोडक्शन होने पर कॉस्ट 2500 तक आ सकती है। इस मशीन का पेटेंट कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और जो कंपनियां इसका प्रोडक्शन करना चाहेंगी, DRDO इसकी तकनीक उन्हें फ्री में देगा। किस तरह से ये जो मशीन है वो लोगों तक पहुंचेगा और DRDO का जो मुख्यालय है दिल्ली में, वहां के लोग, वहां के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं इसके बारे में, इसे और जल्दी सस्ते दाम में लोगों तक पहुंचाने के लिए। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।
कोरोना संकट काल में हिंदी सिनेमा के अभिनेता सलमान खान ने जरूरतमंदों की मदद के लिए पहल की है। सलमान खान ने ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों में भरकर जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया। इस नेक काम में सलमान खान के दोस्तों ने भी उनका साथ दिया। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर काम बढ़ाना। ये कह रहे हैं सलमान खान, जो कर रहे हैं कुछ अलग, जो एक अनोखे अंदाज में लॉकडाउन में गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये नजर है सलमान खान की पनवेल वाले फार्म हाउस का, जहां पर सलमान खान खुद सामान उठाते नजर आ रहे हैं। और इस नेक काम में सलमान खान के ढेर सारे दोस्त भी हैं, जिनमें शामिल है जैकलिन फर्नांडिस और यूलिया भी। और इन सब ने मानव चेप बनकर राशन के सारे सामानों को ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों पर लदवाया। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। दरअसल कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों के लिए सलमान खान ने बैलगाड़ी और ट्रैक्टर में राशन का सामान भरकर भिजवाया है। सारा सामान लोड करने के बाद सलमान खान और उनके दोस्तों ने वहां खड़े रहकर ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों को वहां से विदा किया, ताकि जरूरतमंदों तक ये सामान जल्द से जल्द पहुंच सके। कर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सलमान खान खुद लॉकडाउन के बीच अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में अपने दोस्तों के साथ फंसे हुए हैं, जहां पर उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और यहां पर वो प्रकृति के बीच अपना वक्त बिता रहे हैं। वैसे हाँ, लॉकडाउन में पहली बार नहीं है जब सलमान खान ने ऐसा किया है। सलमान खान ने अप्रैल में 16,000 मजदूरों के अकाउंट में 4,80,00,000 रुपए डाले थे। उसके बाद मई के महीने में 19,000 मजदूरों के अकाउंट में 5,70,00,000 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। इस तरह वो 2 महीने तक कई हजार मजदूरों का खर्चा उठाएंगे और 10,50,00,000 रुपए की मदद करेंगे। और देखिए, अपने इस नेक काम में उन्होंने सब कुछ शामिल कर लिया। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना।